So hi everyone and welcome to the channel. So as you all know, ESIC Deputy Director का notification UPSC ने निकाला था and कुछ ही समय में उसका examination भी हो जाएगा. देखो जितना भी जल्दी exam होगा तो December से पहले नहीं होगा because उससे पहले कोई भी date नहीं है UPSC के पास. So around December में इसके exam होने की संभावना है और अगर December में नहीं होता है तो फिर वो अगले साल जाएगा February March. Okay, so अभी आपके पास काफ़ी time है जिसमें आप prepare कर सकते हो. अगर आपने form भरा है ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर का तो अभी आपके पास बहुत टाइम है और आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड गाइज इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप सीधा डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचो. ऐसी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास. और इसका जो एग्जाम है वो भी जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट भी टाइम से आ जाएगा बिकॉज इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी और यूपीएससी काफ़ी अच्छे से और एफिशिएंटली काम करता है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि नोटिफिकेशन निकाल के छोड़ देती हैं और वो लटका रह जाता है, बट हेयर ऐसा नहीं होगा बिकॉज यूपीएससी काफी रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन. सो आप सबने सिलेबस देखा होगा ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर का, उसमें एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस. सो जनरल साइंस के बारे में प्रॉब्लम जनरली ये रहती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल साइंस को याद कर लेते हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, बट जनरल साइंस इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग द थिंग्स. उसमें अंडरस्टैंड अगर आप चीज़ों को कर लोगे तो वो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहता है, उससे आप कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं. एंड डेफिनेटली जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में. जनरल साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी में प्री में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं. सो जनरल साइंस जो है वो फेवरेट एरिया है यूपीएससी का. सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट जनरल साइंस. एंड फॉर दैट अभी इन सारी चीज़ों को हम टैगल कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपके सामने लेके आऊँगा जनरल साइंस के एमसीक्यूज के सेशन. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एमसीक्यूज के सेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा, भाई आप पढ़ाओगे नहीं तो सिर्फ एमसीक्यू करा के क्या फ़ायदा होगा. सो रिमेंबर गाइज, ये जो एमसीक्यू के सेशन होंगे इसमें आई विल नॉट ओनली टेल यू दी आंसर्स, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट. जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे होंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे. एंड ये जो एमसीक्यू होंगे रैंडम एमसीक्यू नहीं होंगे, द एमसीक्यूज विल बी टॉपिक वाइज एमसीक्यू ये होंगे, ठीक है. तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने से फायदा ये होगा कि पूरा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका जो सिलेबस है साथ साथ वो भी कवर होता रहेगा. और आज के सेशन में, इन टुडे सेशन, आई विल ब्रिंग टू यू द एमसीक्यूज फ्रॉम टू चैप्टर्स, फोर्स एंड मोशन. एंड इन वन वीडियो वी विल डिस्कस ओनली 10 एमसीक्यूज बिकॉज देर वुड बी सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो दैट वे अगर हम ज्यादा क्वेश्चन रखेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा एंड दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू. ऑलराइट, so let's begin with the session guys, but before we begin do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this telegram group, here you will find the pdf of this session and you can also ask any doubt. So let's begin with the very first question. How many fundamental units are there, what is the unit of luminous intensities? So let me tell you guys the unit. The units are divided into two parts. One is the fundamental units and another is the derived units. ठीक है, एक तो होते fundamental units, एक होते fundamental units और दूसरे होते derived units. Fundamental units वो है जो कहीं से भी नहीं derive किए जा सकते and derived units are those जो कि fundamental units में से derive किए जाते हैं. Alright, fundamental units there are seven fundamental physical quantities and seven fundamental units of course, which are mass. Then we have length, then we have time, then we have electric current. थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज दीज आर वेरी इजी थिंग्स. इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देन फाइनली वी हैव नंबर सेवन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सो दीज आर द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स. आई होप आप सबने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा. मास की यूनिट वी ऑल नो इज केजी, लेंथ की यूनिट इज मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है गाइस एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं. एंड कैपिटल्स में हम उन यूनिट्स को लिखते हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, जैसे न्यूटन कैपिटल एन होता है, जूल कैपिटल जे होता है, एम्पियर कैपिटल ए होता है, टेम्परेचर केल्विन अगेन कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट्स कैंडेला. कैंडेला. सो दीज आर दी सेवन फंडामेंटल यूनिट्स. एंड व्हाट आर दीज डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. सो दिस यूनिट मीटर पर सेकंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट मीटर एंड सेकंड. ओके, सिमिलरली व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन, बट न्यूटन इन एक्चुअली इज व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कैसे आ रहा है ये सब हम आगे बात करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
So if it is kilogram meter per second square, then it is derived from the fundamental units of kilogram meter and seconds. All right. So ये होते हैं हमारे fundamental units और कुछ होते हैं derived units. So here the question is regarding how many fundamental units are there. So there are 7 and luminous intensity unit is candela. So option D guys will be the correct answer to this question. I hope this question is clear. Moving ahead to question number 2. Which of the following physical quantity is dimensionless? Now there are some dimensions also of various physical quantities and their units. In fact, almost सबके पास dimensions होती है. Now dimensions होती क्या हैं? Dimensions वो होती हैं if a unit is described, is explained in the form of m, l and t, where m represent mass, l represent length and t represent time, then that is known as its dimension. So for example, what is the SI unit of force? Kilogram meter per second square, or you can say the Newton. So if we convert it into dimensions, then what will be the dimensions of force? So kilogram, obviously it is a unit of mass. So there will be m, l, t. ठीक है, m, l, t होगा. But what is the unit of mass here? That is kilogram. And what is the power of kilogram? That's 1. So m की power 1. What is the power of meter? Meter is the SI unit of length. L की पावर 1 एंड व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड? इट इज नॉट 2, रिमेंबर इट इज -2. सो MLT -2 विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स. सिमिलरली इफ वी सी द यू नो एक्सेलरेशन की अगर हम डायमेंशन देखते हैं, सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? पहले MLT लिख देते हैं. M मास का यहां कोई कंपोनेंट नहीं है, व्हिच मींस किलोग्राम इज नॉट देयर, व्हिच मींस m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 1. 1 लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं. In second square, which means t minus 2. So what is the dimension of acceleration? Lt minus 2. So these are the examples of dimensions. Now there are certain quantities, guys, which are dimensionless, because there are certain quantities which are ratio of two things, or which are the unitless quantities. Less, just say for example, if you take the example of angle, remember in the previous question, I forgot to tell you one thing, that there are two supplementary units also. Supplementary units bhi hoti hain do. Ek hota hai radian, which is the unit of plane angle, jo ki kiska unit hota hai? Plane angle ka. And there is one unit which is known as steradian, and steradian is the unit of solid angle. Ye kiska unit hota hai? Solid angle ka. All right, so these are the two supplementary units. Now वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर दोस व्हिच आर द रेशियोज ऑफ सेम थिंग. फॉर एग्जांपल, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ऑलराइट, सो ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, दोनों की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड. एंड बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी, देन हाउ उसका डायमेंशन तो हो ही नहीं सकता. ऑलराइट, सिमिलरली हियर इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी स्टीराडियन, व्हिच इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ हाउ इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? बिकॉज वी ऑल नो गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल? एंगल्स फॉर्मूला इज आर्क अपॉन रेडियस. नाउ हाउ विल यू मेजर एन आर्क इन मीटर? हाउ विल यू मेजर एन रेडियस इन मीटर? बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड हेंस the dimension of angle, the steradian will be a dimensionless quantity. Okay, so option B is the correct answer. How many meters are there in one light year? First of all, do remember that light year is a unit of distance, is a unit of distance, or you can say the length. ठीक है, और ये बहुत बार question आ चुका है exam में. Guys, कुछ questions शुरुआत में easy रहेंगे, and then I will move ahead to the difficult questions. I know your questions काफी easy हैं, आप सबने पढ़ा होगा, most of you know this. बट यस, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा. सो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको तो पढ़ने दो. हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और यू कैन से द लेंथ, एंड देयर आर 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर इन वन लाइट ईयर. डू रिमेंबर दिस, दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर आर देयर इन वन लाइट ईयर. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following depicts correct relationship between linear velocity and angular velocity? It is not so much easy question. Now, what is linear velocity and what is angular velocity first? So, if an object is moving in a straight line, which means it is, it is undergoing a translatory motion, okay, or the straight line motion,
then it has the linear velocity. Then it has what? Linear velocity. And velocity of course is what, guys? Displacement per unit time. Displacement per unit time is, we all know, is velocity. And if an object is moving in a circular path, then the velocity it has is angular velocity. All right, angular velocity. Angular velocity is depicted by omega, and angular velocity's formula is angular displacement, that is theta divided by time. Angular displacement divided by time. And what is the SI unit of angular velocity? देखो मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से repeat कर देता हूँ. Let us say the object is here at point A, and then this is, there is a point B. So यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना angle cover किया? That is theta. This will be the angular displacement. Okay? And जितना भी time लगा वहाँ से आने, वहाँ A से B तक जाने में, so if angular displacement it is divided by time, then we will get what? Angular velocity, which is represented by omega. So angle ke unit we all know is radian. So what is the unit of angular displacement? That's radian. And what is, what will be the unit of angular velocity? Radian per second. So kisi ki bhi unit yaad rakhne ki zarurat nahi hoti, bas usko banana aana chahiye aapko. So this is how you can make the you know, SI unit of any particular physical quantity. Like for example, force ki. Force ka formula kya hota hai? Mass into acceleration. So what is the unit of mass? It's kg. And what is the unit of acceleration? Meter per second square. So this is how you can derive a unit. All right. So let's come back to the topic. Linear velocity, if an object is moving in a straight line. Angular velocity, if an object is moving in a circular path. And the relation between v and omega is v is equal to r omega, where r is the radius of the circular path in which the object is moving. Okay. R क्या है? Radius है circular path का जिसमें वो object move कर रहा है. Now we will not go into the derivation of these formulas because that is not important. So v is equal to r omega, guys, will be the correct answer, option C. All right. Now moving ahead to question number 5. The slope of distance time graph represents which of the following physical quantities? Now first of all, what is the meaning of slope? So let's draw a distance time graph. Here let's take the time, and here let's take the distance. Okay, the distance is always on the y-axis in the case of distance time graph, and time is always on the x-axis. So let us say this is a distance time graph of an object. So what is this slope? Slope can be calculated by two ways. Number one, let us say we have to calculate the slope from this point to this point. Okay, from this point to this point we have to calculate the slope. So yahan pe maan lete hain y1 hoga, yahan pe hai y2, and यहाँ पे मान लेते हैं x1 है और यहाँ पे कितना है x2. So the ratio of value on y-axis divided by the ratio of value on x-axis will be the slope of this this point A and B. मतलब A से B तक जाने में जितना भी उसका slope था वो ऐसे निकालेंगे. ठीक है, value on y-axis divided by value on x-axis. But अगर पूरे उसका पूरे motion का अगर आपको slope निकालना है, then that will be calculated with this angle. This angle theta, the angle it is making with the x-axis, and the slope is calculated with tan theta. Okay, formula kya hota hai iska? Tan theta hota hai. Now if this angle is 45 degree, the slope will be 1. If this angle will be, you know, 30 degree, the slope will be 1 by root 3, etc, etc. Now let's come back to the question. The slope of distance time graph represent which of the following physical quantity? Ab dekho, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपने कैसे निकाला? वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस. एनीथिंग ऑन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑन एक्स एक्सेस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का. नाउ वाई एक्सेस से क्या है? डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है, जो भी नंबर होगा वो किसका होगा? डिस्टेंस का होगा. एंड हियर द नंबर विल बी ऑफ द टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आता है? स्पीड आता है. सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्पीड. एंड व्हाट इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? देन इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? Velocity, because speed is equals to distance upon time, and velocity is equals to displacement upon time. Okay, so here the correct answer is what? Option C, speed. Question number 6. Area under the velocity time graph represents the dash covered by the object. You have to fill this gap. Velocity time graph ke under ka area kya batata hai hame? Theek hai, so let us say yahan se pura le lete hain. This is the area. This is the area under velocity time graph. Here it is velocity and here it is time. Now what does this area represent? So let me tell you guys, this area represent the distance or the displacement.
the distance or the displacement. Now, why I am saying distance or displacement? Why I am saying about both distance or displacement? दोनों कैसे? वो ऐसे क्योंकि अगर shortest distance होगी तो वो क्या हो जाएगा? Displacement हो जाएगा. Because we all know displacement is what? The shortest distance between two point. So if the object is moving from one point to another in the shortest distance, that will be displacement. So the area under the velocity time graph will represent what? Distance or displacement covered by the object. So distance or displacement, both A and B. Option D will be the correct answer. Either distance or displacement. ठीक है? या दोनों भी हो सकता है, because when the object is covering the shortest distance, then that will be the distance also and that will be the displacement also. वो दोनों ही हो जाएगा. ठीक है? Question 7 पे आ जाओ. In case of uniform circular motion, which of the following physical quantities remain constant? Very very important question. So guys, you must have heard of two quantities. Scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities are those which depends only on the magnitude, while vector quantities are those which depends on both magnitude and direction. जो कि magnitude और direction दोनों पे depend करता है, ठीक है? Now, in case of circular motion, अब एक object है जो circular motion में move कर रहा है. Now we all know guys, the speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. And what is acceleration? Acceleration, we all know, is the change in velocity upon time. What is the formula of acceleration? Change in velocity upon time. ठीक है, अगर एक object चल रहा है with certain velocity and if it accelerate, अगर वो अपनी ऐसे रेस को बढ़ा देता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है velocity. तो जो भी change in velocity है, that is known as what? Acceleration. Okay? और अगर ब्रेक लगा देता है तो भी velocity change होगी, then that is also known as acceleration. But in that case, the acceleration will be negative. And that is known as retardation or deceleration. So these are very basic things. Iske detail mein main nahi jaunga. So speed is a scalar, v is a velocity is a vector, and acceleration again is a vector quantity, because acceleration is what? Change in velocity upon my time. And anything, any vector divided by scalar is what? Answer will be only vector, because upar kya hai? Change in velocity, which is a vector, and time kya hota hai? Scalar hota hai. So vector divided by scalar, it will be a vector quantity. Now let's come back to this circle. So देखो क्या है, if an object is moving in a circular path, it is changing its direction at each and every point, and that direction is given by what? Tangent to the circle. ये आपने पढ़ा होगा that अगर मान लेते हैं इस point पे आपसे बोले जाए कि what is the direction of this object at this point, then the direction will be represented by what? This tangent. Okay, ये tangent वो direction बताएगा. Alright, उसी तरीके से इस point पे ये वाला tangent, इस point पे ये वाला tangent, इस point पे ये वाला tangent, इस point पे ये वाला tangent. Okay. Now, which this means that the object is changing its direction at each and every point. Now, let us say the speed is 10 meter per second, because it is saying that uniform circular motion, which means the speed must be constant. Speed is 10 meter per second, and velocity ka magnitude bhi same rahega, 10 meter per second. Now, since the object is moving at a uniform speed of 10 meter per second, the speed will not change. But also, velocity's magnitude will not change, because it is 10 meter per second, because it is moving in a uniform circular motion. बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट सिंस द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड वेलोसिटी डज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा. अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो उतना ही रहेगा, बट येस वेलोसिटी विल चेंज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर. एंड सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग, so definitely acceleration will also change. All right, so here the question is regarding which of the following quantities remain constant. So only speed, option A, speed guys will remain constant. All right, moving ahead to question number 8, which of the following is not an example of Newton's third law? But before moving to Newton's third law, we will discuss about Newton's first law and second law. What is Newton's first law? See, main aise khada hu chupchap se, to kya main apne aap बिना किसी फोर्स के क्या मैं अपने आप मूव कर सकता हूँ? नहीं. या मैं चल रहा हूँ, ठीक है, एक बॉल मैंने ऐसे फेंकी, तो क्या वो बॉल अपने आप रुक सकती है? नहीं. सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स में है, मोशन में है, तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. जब तक कि उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी, तब तक उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ सम ऑफ यू विल से कि भाई अगर बॉल फेंकेंगे कि तो वो तो अपने आप ही रुक जाती है. अपने आप ही रुकती है यार, फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, ठीक है ना? और अगर मैं खड़ा हूं तो मैं अपने आप थोड़ी ना चलने लग जाऊंगा जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं, या मेरे पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है? दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एंड दिस प्रॉपर्टी
this property of not changing its this property of any object of by virtue of which it is not changing its state, then that is known as inertia. हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनर्शिया होता है जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ जो भी मोशन है या रेस्ट है वो खुद से चेंज नहीं होता है. ऑलराइट, एंड व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वन सेकेंड, सॉरी, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा. ओके, फोर्स जितना हम ज्यादा लगाएंगे मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा. लेट अस से कि एक कागज की बॉल है, ठीक है, उसको मैंने उठा के एक दीवार पे मार दिया, ठीक है, या लेट अस से एक बुलेट ले लेते हैं, ठीक है, एक बुलेट है उसको मैंने हाथ से फेंका शीशे पे, तो क्या हो सकता है शीशा टूट जाएगा या नहीं भी टूटेगा? या शीशा हटा दो, एक बुलेट ले लिया और उसको मैंने अपने फ्रेंड की तरफ मारा, ठीक है, हाथ से, उसको कुछ भी नहीं होगा ऑफ कोर्स. लेकिन अगर उसी बुलेट को मैं गन से चलाऊंगा तो क्या होगा? यू ऑल नो क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों केसेस में डिफरेंस किसका है? मोमेंटम का. अब पहले केस में क्या हुआ? फोर्स कम थी तो मोमेंटम कम था, मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं हुआ. दूसरे केस में जब हम गन से चलाएंगे तो फोर्स ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है. तो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा मोमेंटम होगी, एंड दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ. एंड एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ जब हम डिराइव करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एज यू ऑल नो. नाउ न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है. सो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल नहीं है? रिकॉइलिंग ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम गोली चलाते हैं तो वो रिकॉइल बैक करता है. तो एवरी एक्शन, एक्शन क्या है? गोली का आगे जाना, और रिएक्शन क्या है? उस गन का रिकॉइल होना. देन मोशन ऑफ रॉकेट, गैसेज नीचे जा रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है. स्विमिंग, हाथ पानी पीछे जा रहे हैं, हाथ से हम क्या करते हैं? पानी को पीछे करते हैं और पानी हमें आगे फेंकता है. एंड वॉकिंग, ऑफकोर्स हम अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट वी बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर, एंड दैट इज हाउ वी वर्क. एंड अ फील्डर मूविंग अवे हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल, नहीं, ये एग्जाम्पल है इम्पल्स का. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इम्पल्स क्या होता है. चलो आगे पढ़ेंगे, इम्पल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ऑप्शन ई हियर इज द करेक्ट आंसर गाइस. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शन. सो एज यू ऑल नो, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज देयर बिटवीन द टू, दैट इज देयर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट. सो दो सर्फेसिस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन वी हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड देन फाइनली वी हैव काइनेटिक फ्रिक्शन. और उससे काइनेटिक फ्रिक्शन से भी छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, ठीक है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक, और उसके बाद आता है रोलिंग. स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जैसे मान लो मैं दीवार में धक्का मार रहा हूं, तो क्या दीवार मूव कर जाएगी? नहीं. तो दीवार में और उसमें जो भी फ्रिक्शन है वो क्या है? स्टैटिक है, ठीक है. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि लेट अस से ट्रक पकड़ लेते हैं, ट्रक को पकड़ लेते हैं, तो मैं एक ट्रक को धक्का मार रहा हूं अकेला, तो वो मूव नहीं करेगा, तो उसके टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक. अब मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को बुला लिया, वो धक्का मार रहे हैं, वो तब भी नहीं मूव कर रहा, बट इट इज एट दी वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है, बस वो मूव करने वाला है. तो एट दैट टाइम दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. और मैंने 10 दोस्त और बुला लिए, फिर जब वो मूव कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? और रोलिंग फ्रिक्शन तो क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, ऐसा स्लाइड है, और यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. ऑलराइट, सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. यस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. ऑफकोर्स अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस अनइवन होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा. फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. नो, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन? सी, ये अर्थ है, ये मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, और इसका रिएक्शन आता है ऊपर की तरफ. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिएक्शन. जो भी हमारे वेट का रिएक्शन होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा. नाउ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ लग जाता है म्यू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन. यस,
And static friction as between the surface when there is no relative motion, as I told you. So option C, guys, will be the correct answer to this question. I hope this question is clear. Friction is inversely proportional to the normal reaction. And now let's move ahead to question number 10. When a large force acts for a very short interval of time, it is known as what? So see, when a large force acts for a very short interval of time, ka matlab yahan pe kya hai? Ki, for example, jab aap football ko kick karte ho, to kya aapka pair usme chipka reh jata hai? Nahin, of course. बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका पैर और आपका फुटबॉल दोनों का जो कंटैक्ट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो कैसे मारोगे? थप्पड़ मार के हाथ डालोगे, ऑफ कोर्स ये हाथ चिपकाए रखोगे उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दीवार में जब हम कील ठोकते हैं तो हैमर को उस पर मारते हैं नेल के ऊपर, तो क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। So guys, this large amount of force applied for a very short interval of time is known as impulse. Option A, impulse is the correct answer to this question. And remember, there are some daily life example for this impulse. So impulse ka formula hota hai force into time, which means the SI unit of this is what? Newton second. Now from this formula, isse hume daily life example samajhne mein aasani rahegi. So we can see I is equal to F into T, so we can say I upon T is equal to F, which means F is directly proportional to time. Force is directly proportional, inversely proportional to time. अब इसके कुछ daily life examples होते हैं। For example, जब अगर आपने cricket में देखा होगा, जब fielder कोई ball catch करता है, तो अपने हाथ को ऐसे लेके आता है। So what is the reason? ऐसा इसलिए क्योंकि वो time को बढ़ा रहा है। तो जब time को बढ़ाएगा, तो जो लगने वाली force है उसके हाथ के ऊपर, वो कम हो जाएगी, because both are inversely proportional. तो जिसकी वजह से उसके हाथ में कम चोट लगेगी। सिमिलरली ऑल द व्हीकल्स हैव शॉकर्स। व्हीकल्स में क्या होते हैं? शॉकर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शॉकर, जैसे मान लो गड्ढा आ गया, शॉकर ऐसे दबेगा, ऊपर जाएगा, इट विल कंप्रेस एंड देन इट विल इलोंगेट, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो इसमें उसको टाइम, जो ड्राइवर होगा उसको, उसके पास टाइम मिल जाएगा और उसका जो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जो अप्लायंसेज होते हैं वो थर्मोकोल में पैक होकर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मान लो कि रिक्शा पे ला रहा और वो गिर गया, गिरेगा तो क्या होगा? थर्मोकोल ऐसे दबेगा, फिर ऊपर आएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स का इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ दी डेली लाइफ एग्जांपल। सिमिलरली जो ग्लास लेयर्स होते हैं या सेरेमिक्स जो होते हैं वो बबल रैप में पैक होकर आते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज वॉज इम्पल्स। सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे गाइज। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द एमसीक्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।